हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं आपके लिए गाजर के हलवे का रेसिपी लेके आई हूँ। ठंड का मौसम हो और गाजर का हलवा बना के ना खाए तब तो ठंड का मजा ही क्या है। चलिए गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने गाजर का हलवा बनाने के लिए 2 kg गाजर ले ली है। अब इसको हम 2 kg ले लिया है। गाजर को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। अब इसको हम छील लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गाजर का हलवा बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी ले ली है। चीनी आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा, कम मीठा या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं, आप उसी के हिसाब से चीनी ले, ठीक है। इलायची ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको कूट लेंगे बारीकी से। खोआ लिया है मैंने और काजू ले लिया, और ड्राई फ्रूट चाहे तो आप और भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू लिया है और दूध ले लेंगे। चलिए फ्रेंड, अब हम गाजर को धो लिया है मैंने और काट भी लिया है, इसके दोनों साइड काट लिया है। इस तरीके से आप भी काट लें। अब इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। इसमें हमें देखिए हमारा गाजर घिस रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है। अब इसमें घी डाल देंगे। मैंने 2 चम्मच घी डाला। अब इसे गर्म होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा घी गर्म हो चुका है। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे और डाल के इसमें 20 से 25 मिनट फ्राई करेंगे। मैंने गाजर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से घी के साथ मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम गाजर को ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए हमारा गाजर कितना अच्छा कलर चेंज होने लग गया इसमें। देखिए फ्रेंड्स, अब हल्का हल्का ऑरेंज सा कलर होने लग गया है। हमारा गाजर कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसी तरीके से आप भी फ्राई करें गाजर। इसे ऐसे बीच बीच में धीरे धीरे चलाते रहें, कम से कम 20 से 25 मिनट तक। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम एक बार देख लेते हैं। 20 से 25 मिनट हो चुका है। हमारा गाजर कितने बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम दूध डाल देती हूँ। मैं आधा किलो दूध डाल रही हूँ। दूध डाल के इसको अच्छे से मिला चला लेंगे। दूध के साथ अच्छे से मिला लेंगे इसे। देखिए फ्रेंड्स, दूध के साथ अच्छे से मिला दिया है। इसी तरीके से आप भी मिलाएं, आपका हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। अब इसको पकने के लिए हम ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ढक्कन हटा के अब चीनी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक कटोरी चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो इससे ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं, अपने जो जितना मीठा खाता है उस हिसाब से। गाजर तो वैसे भी मीठा ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक कटोरी चीनी का इस्तेमाल करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से मिला दिया है। अब इसको ढक के थोड़ी देर और पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा देर पक गया है हमारा गाजर। अब इसमें खोया डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें खोया डाल रही हूँ। खोया 100 ग्राम या 150 ग्राम अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 100 ग्राम खोया डालती हूँ। अब ऐसे इसको मिला देंगे। मैंने इसको मिला दिया है। अब इसको पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। अब इसे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे प्लेट में सर्व करके खाइए। देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमने इलायची कूटा था उसको डाल देते हैं। इलायची से गाजर के हलवे का टेस्ट और बढ़ जाता है और खुशबू भी अच्छी आती है। इसमें अब मैं काजू डाल रही हूँ। मैंने काजू को छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। चाहे तो आप वैसे साबुत भी डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से इसमें डाल के
मिला लेंगे। आप चाहें तो और भी जैसे काजू, पिस्ता, बादाम, ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ काजू का इस्तेमाल किया। देखिए फ्रेंड्स, हमारा गाजर का हलवा कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने गाजर के हलवे को कटोरी में सर्व कर दिया है और देखिए मैंने ऊपर से काजू डाल दिया है। अब इसको टेस्ट करेंगे, आप भी टेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा है। अगर मेरे गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी तो आप भी बनाइए और अपने परिवार में सबको खिलाइए। प्लीज़ मेरे वीडियो, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।